भरतपुर में जहां शनिवार को चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए, लेकिन कोतवाली थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 36 के दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और झगड़ा बढ़ते बढ़ते घमासान में बदल गया और फायरिंग भी हुई। वहीं इस घमासान में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके की गंभीरता को देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मूल सिंह राणा, सीओ हवा सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं तनाव को देखते हुए जिला अस्पताल में भी पुलिस जाब्ता लगाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि वार्ड 36 के कांग्रेस प्रत्याशी दाऊ दयाल और भाजपा प्रत्याशी सुधांशु गौड़ के समर्थकों के बीच चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही खींचतान चल रही थी और यही खींचतान शनिवार को मतदान के संपन्न होने के बाद झगड़े में तब्दील हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।